इस बीच चलिए एक बार देख लेते हैं आज जिस तरह का गेन अब निफ्टी में देखने को मिल रहा है, अगर ये होल्ड कर जाता है इन लेवल्स के आसपास 9150 के आसपास, तो एटलीस्ट जो नियर टर्म ट्रेडर है उसे थोड़ा कंफर्ट ज़रूर मिलेगा। पंकज, आई विल पिक आईटी स्टॉक्स नाउ, क्योंकि ये एक ड्रैग है मार्केट पर, बट आई थिंक मोर देन ड्रैग, दो इश्यूज़ जो सबसे बड़े चैलेंज के तौर पे आईटी इन्वेस्टर के सामने उभरे हैं फिलहाल, एक इन कंपनीज का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एंड सेकेंड नॉर्थ अमेरिका से जो हेडविंड्स हैं इन कंपनीज के लिए। यू नो, हर दिन कोई ना कोई बयान आना, कल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना दैट कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस एंड कॉग्निजेंट हैव बीन मिस यूजिंग द वीज़ा नॉर्म्स, ये एटलीस्ट कम से कम अगले दो तीन क्वार्टर के लिए तो ये विजिबिलिटी इम्प्रूव होती लग नहीं रही है। ऐसे में अगर गिरावट देखने को मिलती भी है, यू नो, ऑन अ स्टॉक लाइक इन्फोसिस या TCS, तो क्या वो एक डेस्परेट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए या फिर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए? तो इस सेक्टर को अगर आप दो भागों में देखें, एक है वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन आज एक ये सेक्टर है जहां वैल्यूएशन सबसे सपोर्टिव है और हर कंपनी बायबैक अनाउंस कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक प्राइस पर वो डिविडेंड यील्ड स्टॉक हो जाते हैं और फ्री कैश फ्लो यील्ड पर वो सस्ते दिखने लगते हैं एंड हेंस एक वैल्यूएशन सपोर्ट आ जाता है। तो हमें लगता है कि गिरावट बहुत ज़्यादा होने की संभावना कम है, बट दूसरा क्वेश्चन उसी के साथ आता है कि ये जो वैल्यू है कहीं वैल्यू ट्रैप तो नहीं है, और हम पहले भी देखे हुए हैं कई सेक्टर्स में जहाँ वैल्यूएशन चीप होना ही खाली एक कंडीशन नहीं होता है स्टॉक खरीदने का, उसके साथ ग्रोथ भी आनी चाहिए, जहाँ हमें डाउट्स हैं, क्योंकि आईटी में अगर आप देखें तो ओवरऑल बड़े प्लेयर्स में वो लोग सर्विसेज पर ही फोकस रहे और लास्ट 4-5 साल में ये आईटी पूरा पैराडाइम हैज़ मूव टू 3D, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल एंड सो फोर्थ, जहां पर हमारे इंडियन कंपनीज काफ़ी कमज़ोर हैं या उनका प्रपोर्शन काफ़ी कम है ओवरऑल रेवेन्यूज़ में। तो वो ट्रांजिशन हमारे हिसाब से काफ़ी पेनफुल रहेगा, क्योंकि सर्विसेज में हम प्राइसिंग प्रेशर देख रहे हैं, सर्विसेज में हम लो ग्रोथ देख रहे हैं, और उसके कारण आईटी सर्विसेज जो बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पर ग्रोथ एक चैलेंज है, प्लस रुपी एप्रिसिएशन उनको और एक चैलेंज पोज कर रहा है, जो हो सकता है नियर टर्म ही हो बट नियर टर्म में अर्निंग्स पर काफ़ी दबाव रहेगा। तो इसलिए हमारा मानना है कि बहुत ज़्यादा करेक्शन होने की संभावना नहीं है, बट यहाँ से बड़ा रिटर्न बनना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है जी। ये रियल्टी स्पेस में रिटर्न्स और बन सकते हैं कि यहाँ से? पंकज, क्या व्यू आपका रियल्टी सेक्टर पर? ये एक सेक्टर है जो 11 हफ्तों से लगातार गेन कर रहा है, और ये रियल एस्टेट इंडेक्स ईयर टू डेट, कैलेंडर ईयर टू डेट 52% ऊपर है, और कई स्टॉक्स लास्ट 3 से 4 महीने में डबल हो गए हैं। जब आप इन्वेस्टर्स से पूछो कि क्या लग रहा है उन्हें रियल एस्टेट में, तो 2-3 वजह आ रहे हैं बुलिशनेस के। पहला, डीमोनेटाइजेशन के बाद जो कैश कंपोनेंट था वो कम हो रहा है ये स्टेक में। सेकंड, रेरा के आने से 1 मई से वहाँ पर लोगों को अनुमान है कि काफ़ी बड़ा रेगुलेटरी इम्प्रूवमेंट आएगा, जिससे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और छोटे वाले प्लेयर्स के ऊपर काफ़ी तकलीफ आने वाली है। थर्ड, अगर आप देखें तो रियल इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने के कारण कहीं ना कहीं ये व्यू है कि एक हाउसिंग में एक पुश, डिमांड पुश आएगा, और ये सब बुलिशनेस आज ये स्टॉक्स पर हैं। बट अगर आप अंडरलाइंग आज के दिन सिचुएशन देखें तो बहुत ही ख़राब है, स्पेशली रेसिडेंशियल में, NCR में काफ़ी बड़ा इन्वेंट्री जमा हुआ है। सेम अगर आप बॉम्बे पुणे रीजन में भी देखें, तो हमें लगता है कि साल भर में फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट नहीं होने का है, बट मार्केट आज के दिन उसे काफ़ी एडवांस में प्राइस कर रहा है। हमें लगता है कि यहाँ थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, कई स्टॉक्स में डिलीवरी वॉल्यूम्स काफ़ी लो हैं जो हमें काफ़ी कॉशियस कर रहा है, और इस वजह से हम इस सेक्टर पर खाली 2-3 प्लेयर को छोड़ के बाकी को इग्नोर कर रहे हैं। इस बीच दीपक, आज मार्केट के लिए और एक अहम चीज़ भी होगी, नाउ आई वोंट से इट कैन चेंज द डायरेक्शन, बट रिलायंस के रिजल्ट्स हैं एंड यू नो पिछले कुछ समय से रिलायंस हैज़ बीन मोस्ट टॉक्ड अबाउट फॉर देयर टेलीकॉम वेंचर। आज भी देखना होगा रिलायंस जियो पर कंपनी की तरफ से क्या बयान आते हैं, बट ओवरऑल डू यू सी रिलायंस टेकिंग द इंडेक्स टू द हायर लेवल्स आफ्टर
द आउट परफॉर्मेंस जो रिलायंस ने ऑलरेडी डिलीवर किया हुआ है? रिलायंस में बेसिकली ये तीन सेक्टर्स है, तीन एक्सपोजर्स है. एक तो पेट्रोकेमिकल है, रिफाइनिंग है और अभी टेलीकॉम है. नाउ द फर्स्ट टू द पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनिंग आर डूइंग फेयरली वेल, काफ़ी ठीक चल रहे हैं, मार्जिन्स अच्छे हैं, जीआरएम्स अच्छे हैं, तो उसमें कोई बड़ी तकलीफ नहीं है. टेलीकॉम इज़ अ थर्ड सेक्टर. नाउ टेलीकॉम में अभी तक उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया है, दे हैव नॉट स्टार्टेड चार्जिंग द एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू. नाउ वेदर दे विल डू इट इन द Q4 और दे विल डू स्टार्ट फ्रॉम Q1, उस पर क्लैरिटी नहीं है. नाउ जब वो चार्जिंग शुरू होगा तब हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कितना बड़ा होल है और कब तक वो होल रहेगा. ओवरऑल सब्सक्राइबर बेस एंड दूसरे जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं वो काफ़ी एंकरेजिंग है. लोग उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 3 साल में एबिटा लेवल यहाँ पर पहुँच जाएगा फ्रॉम द टेलीकॉम बिजनेस. बट जब नंबर्स, एक्चुअल नंबर्स पीएनएल में डेबिट होने लगेंगे और फिर उनके प्रोजेक्शंस आने लगेंगे तो थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा कि ये टेलीकॉम बिजनेस ओवरऑल कंपनी पे कब पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा. सो वो एक कॉल है जो हर एक एनालिस्ट अलग अलग तरीके से ले रहा है. बट फॉर द नियर टर्म, जैसे आपने बताया कि इफ द इंडेक्स इज टू मेक अ लोअर टॉप, तो रिलायंस कुड बी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टू टेक इट देयर. थोड़ा सा ऊपर लेने में रिलायंस का भी एक हाथ रह सकता है. जी, इस बीच इंडेक्स के बढ़ने वाले शेयर्स को देखें तो पहले 4 स्टॉक सीमेंट पॉकेट को ही बिलोंग करते हैं. ACC, ग्रासिम, अंबुजा और अल्ट्राटेक सीमेंट, इनमें 1.5 से 3.5% तक की स्ट्रेंथ दिख रही है. और इसके बाद जो शेयर आता है वो है HDFC बैंक का, 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है. पंकज, ये प्राइवेट बैंक के जो अब तक के अर्निंग्स आए हैं, येस बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, ये आपको कैसे लगे? और अभी भी आपका एज PSU बैंक्स के मुकाबले प्राइवेट बैंक्स की तरफ ही रहेगा क्या, या फिर कोई स्टांस चेंज करेंगे, क्योंकि PSU बैंक्स को लेकर ज्यादा एक्सपर्ट्स अच्छे नंबर्स और अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर आप देखें तो हमारा स्टांस काफी टाइम से प्राइवेट बैंक की तरफ पॉजिटिव है कंपेयर टू PSU, और हमें नहीं लगता कि ये स्टांस को चेंज करने की जरूरत है. अगर जो फ्राइडे को नतीजे आए जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक के, अगर उसमें एक पॉइंट वर्थ नोटिसिंग है तो उनका मार्केट शेयर, अगर उनका एब्सोल्यूट मार्केट शेयर देखें तो आज के दिन 6.5% है बैंकिंग इंडस्ट्री में. बट अगर FY17 में इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर देखें तो वो करीबन 24 से 25% है. दैट मीन्स 1/4 ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रोथ इज़ ड्रिवन बाय दैट लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक. तो इसका ये मतलब है कि बाकी जो PSU बैंक्स हैं उनमें चाहे जो भी कारण हो, NPA इश्यूज, कैपिटल इश्यूज, ह्यूमन टैलेंट इश्यूज, उसके कारण एज अ पैक PSU बैंकिंग का मार्केट शेयर कम हो रहा है. और हमारे हिसाब से ये ट्रेंड काफ़ी सेक्युलर ट्रेंड है. जो कई साल पहले तक 90% PSU और 10% प्राइवेट होता था, आज वो 75-25 है पूरे प्राइवेट सेक्टर का मार्केट शेयर. और आने वाले 3-4-5 सालों में हमें लगता है ये 60-40 या 50-50 हो सकता है. तो इस, अगर आप एक छोटे से डेटा पॉइंट को देखें तो हमें लगता है कि प्राइवेट के लिए मार्केट शेयर गेन्स आज भी इजी है. वो आज भी 5 लाख करोड़ के बैलेंस शीट साइज़ पर 20% से बैलेंस शीट ग्रो कर रहा है. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. तो हमारा रुझाव आज भी प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ रहेगा फ्रॉम ग्रोथ परस्पेक्टिव. सेकेंड, अगर आप PSU में देखें, बारिंग टॉप 3-4 बैंक्स इन द PSU पैक, नीचे वालों में काफ़ी तकलीफ है, चाहे वो कैपिटल की हो, क्या वो NPA इश्यूज की हो, क्या वो ह्यूमन टैलेंट की हो. और हमें लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन थॉट है गवर्नमेंट का ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, वो काफ़ी स्पीड अप होगा इस साल. और नए वाले जो छोटे वाले PSU बैंक्स हैं वो उनमें मर्ज किया जाएगा बड़ों में, तो एक अनसर्टेनिटी भी क्रिएट हो सकती है. तो हम नीचे वाले पैक को तो कंप्लीट इग्नोर कर रहे हैं. हमारा पोजीशन जो भी PSU में है वो टॉप 2-3 बैंक्स में ही है, उसके नीचे हम नहीं देख रहे हैं. बिल्कुल.